पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, खेती करना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन खेती में अगर किसी तरह का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। आज हम आपको जानकारी देंगे संरक्षित खेती के बारे में, किस तरह से आप संरक्षित रूप से फसलों की खेती कर सकते हैं, मौसम की मार से उन्हें बचा सकते हैं, साथ ही कीट और रोगों के प्रकोप से भी फसलों को बचाया जा सकता है। तो आइए संरक्षित खेती के संबंध में दें आपको विस्तार से जानकारी। पॉली हाउस तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इनमें बेमौसम की सब्जियां कम से कम नुकसान पर उगाई जा सकती है। ये एक तरह की संरक्षित प्रणाली है, इससे तैयार होने वाली उपज से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। पॉली हाउस में खेती करने के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद सब्जी की फसल उगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके किसान खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से निजात पा सकते हैं। जयपुर के एक सफल किसान पॉली हाउस में खेती करके अपने इलाके की तस्वीर बदलने में सफल साबित हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि पॉली हाउस में खेती कितनी कारगर है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हम खीरे के खेत के अंदर खड़े हैं, पॉली हाउस लगा हुआ है। मेरे पास में 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस है जिसकी साइज जो है लगभग इसमें साइज के अनुसार लगभग 7500 पौधे इसके अंदर लगा रखे हैं मैंने। और इसमें दो क्रॉप लेते हैं हम, साल भर में दो क्रॉप इसके अंदर लेते हैं। एक क्रॉप लगभग 4 महीने की क्रॉप होती है और 4 महीने की क्रॉप के साथ में 2 महीने इसके अंदर सोलर सोयलाइजेशन करते हैं मई और जून में। और इसमें हमें जो अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है, एक फसल में लगभग 40 टन से लेकर 60 टन तक प्रोडक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मार्केट में अगर इसका भाव अच्छा मिल जाता है तो ये आराम से 10 से 12 लाख रुपए का एक फसल हमारे पास में हो जाती है। और पूरे साल भर में देखा जाए तो पूरे एक पॉली हाउस का जो टर्नओवर लगभग 18 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का एक पॉली हाउस का टर्नओवर होता है। इसके अंदर टोटल दो क्रॉप लेते हैं तो दोनों क्रॉप का प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो लगभग 100 टन से लेकर 120 टन तक होता है। मेरे पास में जो क्रॉप लगी हुई है वो खीरे की है, उसमें वैरायटी जो है रिजकवान कंपनी की कैप्टन स्टार और किंग स्टार लगा रखी है मैंने। राजस्थान के अंदर जाम खड़े हैं, इसके 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर लगभग 400 पॉली हाउस हैं, इसलिए यहाँ के इस क्षेत्र का नाम मिनी इज़राइल ऑफ राजस्थान के साथ में भारत के नाम से भी जाना जाता है कि मिनी इज़राइल ऑफ भारत के नाम से हमारा क्षेत्र का नाम प्रचलित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर लगभग 400 के लगभग पॉली हाउस है, कोई भी पॉली हाउस ऐसा नहीं है जो यहाँ पर फेलियर है। इसको पॉली हाउस लगाने के लिए हमें भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग हमें सब्सिडियाँ मिलती है। जैसे इसमें जो पॉली हाउस है वो NHM के द्वारा लगाया गया है। NHM में हमें 70% लघु काश्तकार के लिए और बड़े काश्तकार के लिए 50% सब्सिडी मिलती है। जो मेरे फार्मर शेयर के रूप में मुझे 10,12,800 रुपये मैंने जमा करवाए, टोटल कॉस्ट इसकी आती है 33,76,000।
टोटल कॉस्ट के अलावा हमारे पास में 5,60,000 के लगभग इसमें बीज, खाद, दवाइयाँ, इसका खर्चा आता है प्लांटिंग मटेरियल के रूप में। उसके ऊपर भी हमें सब्सिडी मिलती है, 50% उसमें सब्सिडी मिलती है हमें। और जो क्रॉप है उसमें कई प्रकार की बीमारियां भी आती है, जैसे मुख्य रूप से अगर कीटों के बारे में जानकारी चाहें तो इसके अंदर थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, मकड़ी है, ये इसके मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की जो हैं कीट हैं। इसके अलावा इसके अंदर रोग भी आते हैं, रोग के अंदर डंपिंग ऑफ है, जड़ गलन है, और जड़ गलन के साथ साथ इसके अंदर जड़गांठ जो है सूत्रकृमि के द्वारा आती है, वो हमारी फसल को लगभग 30 से 40% तक नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए हमें हर साल मई और जून में जब टेम्परेचर बाहर का जो टेम्परेचर होता है 40 से अबव होता है, यानी 40 डिग्री से ऊपर हमारा जो टेम्परेचर होता है, तब इसके अंदर हम सॉइल सोलराइजेशन करते हैं। उसका जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले इसमें गोबर की खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालकर इसमें अच्छे से जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद इसमें पलेवा करते हैं, यानी पानी दे देते हैं। लगभग 1 फीट तक पानी से पूरी मिट्टी गीली हो जाती है। उस टाइम पर मिट्टी गीली होने के बाद में 30 माइक्रोन मोटी पारदर्शक जो सीट आती है वो उसके द्वारा हम पूरे पोली हाउस को कवर कर देते हैं। जैसे पूरे पोली हाउस को कवर करने के बाद में जो टेम्परेचर जो है वो अगर बाहर का 40 है तो अंदर का लगभग 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें कि विशेष तौर से जमीन का जो पानी है वो पूरा ख़त्म नहीं हो। इसके अगर पानी ख़त्म होता है तो हम ड्रिप इरीगेशन जो ड्रिप लाइन है वो अंदर बिछा लगा के रखते हैं, तो जैसे ही पानी की कमी होगी हम वापस से एक बार उसको गीला, एक या दो बार उसको गीला कर देते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 15 से 25 दिन तक लगातार करते हैं। टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादा दिनों तक करना पड़ता है, टेम्परेचर कम हो ज़्यादा है तो हमें कम दिनों तक सोयल सोलराइजेशन करते हैं। उसके बाद में बेसल डोज के रूप में हम ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पेसिलोमाइनस और बेसिलस सेप्टुलस, ये बेसल डोज के रूप में इसके अंदर वापस है, क्योंकि इसमें हानिकारक और लाभदायक सभी प्रकार के जर्म्स सोयल सोलराइजेशन में ख़त्म हो जाते हैं, तो हम उसको वापस जर्मिनेट करने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, पेसिलो है, बेसिला सब। पॉली हाउस में खेती करना थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन एक बार इससे आय होने लगे तो सारी कमियां दूर हो जाती है। और वैसे भी पॉली हाउस लगाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सब्सिडी भी मिलती है, जो किसान की राह और आसान कर देती है। तो अभी आपने देखा हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, बाजार में अब गाय और भैंस के दूध की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आज इसी के संबंध में देंगे हम आपको खास जानकारियां, किस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से भैंस पालन।
कौन सी अच्छी नस्लें हैं जिनका आप चयन करके अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए आप अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं। तो भैंस पालन पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। तापमान में इजाफा अपने साथ कई समस्याएं लाता है, फिर चाहे खेतों में लगी फसलें हो या पशु, उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि लापरवाही बरतने पर जहां उत्पादन में कमी हो जाती है, वहीं पशु के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर दिखाई देते हैं। पशुपालन में अगर बात की जाए भैंस की, तो इस पशु को गर्मियों में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि भैंस एक बहुउपयोगी पशु है जिससे हमें कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे दूध, मांस, खाल और कृषि कार्य में सहयोग मिलता है। भैंस से लाभ होता रहे और पशुपालक को नुकसान ना झेलना पड़े, इसके लिए समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। भैंसें वातावरणीय गर्मी के प्रति बेहद संवेदनशील होती है, जिसका कारण इनकी त्वचा का काला रंग है। इनकी त्वचा में पसीना निकालने वाली ग्रंथियों की कम सघनता और त्वचा का अधिक मोटा होना है, इसीलिए भैंसों का तापमान नियंत्रण तंत्र शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है। वातावरण में तापमान में वृद्धि के साथ साथ इनके शरीर का ताप भी बढ़ने लगता है, जिससे इनकी खुराक और उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में पशु की शारीरिक क्रियाओं पर नजर रखें, जिससे गर्मी के कारण होने वाले तनाव के बारे में जानकारी मिल सके, जैसे पशु ज्यादा समय तक खड़ा ना रह पा रहा हो, मुंह खोलकर सांस लेना, दैनिक खुराक में कमी हो जाना, पानी पीने की क्रिया बार बार दोहराना, मूत्र की सांद्रता बढ़ जाना, पानी के आसपास पशुओं की संख्या बढ़ना, मुंह से ज्यादा लार टपकना, दूध उत्पादन में कमी होना, पशु के भार में भी कमी होना और समय से पहले बच्चे का जन्म होना। इन समस्याओं से बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि पशु के आवास और आहार पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पशु को पोषण युक्त और ताजा आहार दें। पशुओं को चारा देते समय सही समय का चुनाव करें। समय समय पर पानी पिलाते रहें। दूध निकालने के बाद ताजा आहार जरूर दें। पशुओं को छायादार स्थान में बांधें। आवास में गर्मी से बचाव के इंतजाम करें। संभव हो तो पशु को दिन में दो बार नहलाएं। भैंस पालन से भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए आहार कुछ इस तरह का दें। संतुलित आहार बनाने के लिए 35% दाना, मक्का, जौ, गेहूं और बाजरा, 32 किलो खली, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल और अलसी की खल, 35 किलो चोकर, गेहूं का चोकर, चना की चूरी, दालों की चूरी और राइस ब्रेन, 1 किलो नमक। पशुपालन में बेहतर सफलता पाने के लिए जानकारियों का होना बेहद जरूरी है। यदि कोई पशुपालक इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र के पशुपालन विभाग से संपर्क करना चाहिए। विभाग से मिली जानकारी के आधार पर व्यवसाय में होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है, साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। तो अभी आपने भैंस पालन के बारे में जाना, आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमि नाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलाघोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं।
इस मौसम में पशुओं में लवण विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की और आज ये मुकाम अपने दम पर हासिल किया है। दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं और खेती में उनके योगदान को काफी सराहना मिल रही है। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे आज के कामयाब किसान से और जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी उन्हीं की मुंह-ज़ुबानी। देश के ज्यादातर युवा अब शिक्षा लेने के बाद नौकरी तलाशने में नहीं भटक रहे हैं, क्योंकि बदलते दौर में कृषि से बेहतर कोई व्यवसाय नहीं है। यही वजह है कि युवा नई तकनीकों के तालमेल से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने में सफल सिद्ध हो रहे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान हैं राजकुमार सैनी, जिन्होंने राजस्थान में जैविक खेती को अपनाकर नए आयाम हासिल किए हैं। राजकुमार बताते हैं कि खेती उन्हें विरासत में मिला उपहार है। हालांकि पहले उनके यहाँ भी पारंपरिक खेती ही होती थी, लेकिन राजकुमार ने स्नातक करने के बाद खेती की नई विधाओं को समझा और उन्हें अपने खेत में आजमाया। वो बताते हैं कि उनका लक्ष्य जीरो बजट खेती है और इसलिए उन्होंने जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया। आज उनके खेत में बिना रसायन वाली फसलें लहरा रही हैं। कम पानी की उपलब्धता में भी अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए राजकुमार ड्रिप सिंचाई का सहारा लेते हैं। मेरी एजुकेशन बीए है और मैंने एजुकेशन करने के बाद में कोई सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं हमारी जो पुश्तैनी खेती करते आ रहे हैं उसी की तरफ ध्यान दिया। इसी के लिए पहले हम परंपरागत खेती करते थे, बाद में अभी हॉर्टिकल्चर और उनसे जानकारी लेकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती कर रहे हैं। इसके अंदर हमें अच्छा प्रोडक्शन भी मिल रहा है और पहले हम रासायनिक खाद वगैरह काम लेते थे, लेकिन अब प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत ये सब चला के कम खर्चे की खेती कर रहे हैं। उसमें हमें खर्चा भी कम लगता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। इसके लिए हमें ना बजाज ट्रस्ट की ओर से भी खूब सहायता मिली है। उन्होंने हमें तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाई और ड्रिप इरिगेशन के लिए भी अनुदान दिलवाया और कई जानकारियां मिली किस बीजों के बारे में, किस्मों के बारे में, और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और जो बरसाती पानी आता है उसके लिए भी अनुदान दिया, जिसके तहत हम अब हमारी सब्जियां वगैरह भी अपने बरसाती पानी से कर रहे हैं और उससे पैदावार भी अच्छी मिल रही है।
इसके लिए हमारे यहाँ आसपास के किसान भी मोटिवेट हुए हैं, उन्होंने भी हमें देख के अब प्राकृतिक खेती करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। वो बताते हैं कि जैविक खेती से उनके खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में काफी इजाफा हुआ है। आज उनके खेतों में अनाज फसलों में गेहूं, तिलहन में सरसों, सब्जी फसलों में टमाटर, गोभी, लहसुन, प्याज, मिर्च और बागवानी में नींबू, संतरा जैसी फसलें लगी हुई हैं, जिनसे भरपूर उत्पादन मिल रहा है। खेती में हम गेहूं करते हैं, सरसों करते हैं और बागवानी खेती में हम नींबू, अपने मौसमी ये भी हमने लगा रखे हैं। सब्जियों में हमने टमाटर, तरबूज, गोभी, ये लहसुन, प्याज, मिर्ची ये उगाते हैं और अपने सब्जियों में जो प्राकृतिक खेती में जो अभी जीवामृत चलाते हैं उसे खूब फायदा मिल रहा है। हमारे जो रासायनिक हाथों में पैसा बर्बाद होता था वो नहीं हो रहा है और हमें हमारी जो ज़मीन का मिट्टी की उर्वरकता वो भी बढ़ रही है, इसके लिए हमें खूब फायदा मिला है। इस तरह देखा जाए तो नवीन सुधार कर खेती में मुनाफे की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है, वो भी जैविक तरीके से, और फसलें खेतों में लहलहा सकती हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करेंगे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।